गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रिवीजन रिमेनिंग सेंटेंसेस ऑफ चैप्टर 10 टिल्स आरएम. ओके, नाउ आवर क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, हियर आर सम सेंटेंसेस इन विच वी विल चूज द करेक्ट word from the brackets and we will fill here. Okay beta, aapko explain, sorry revision karwa chuki hu, baki ke jo aapke bache hue sentences the wo aaj ki video mein hum log kya karenge, aaj usko revision karenge. Okay, so listen me carefully. Okay beta, now number h is this dash is ya are red phone. Okay, here are two option is and are. Which option is correct? Yeah, which word is correct word for this sentence? Okay, this is singular pronoun. Okay, मैंने क्या बताया था? Singular noun या pronoun के साथ आपका is आता है. Okay, plural noun या pronoun के साथ आपका are आता है. Okay, और जो आई है उसके साथ ऑलवेज एम का यूज होता है. ओके बेटा, और इस आर एम दिस ऑल वर्ड्स आर हेल्पिंग वर्ब. ओके, सेंटेंस में इनका यूज होता क्यों है? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है. ओके, तो बेटा दिस के साथ जो है क्या यूज होगा? दिस के साथ होगा इज. ओके, नाउ आवर सेंटेंस इज दिस इज अ रेड फोन. कैसा फोन है? रेड फोन है. ओके, नेक्स्ट नंबर आई इज ही डैश एम या इज शाय. ओके, ही इज सिंगुलर प्रोनाउन. अब सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसके साथ क्या आएगा बेटा? एम तो आएगा नहीं. ओके, सो आवर करेक्ट वर्ड इज एच. नाउ आवर सेंटेंस इज ही इज शाय. बहुत सिंपल है. ओके, इसको बस आप लोग एक बार समझ जाएंगे तो आपको उसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, किसी चीज को आपको रटना नहीं है. कोई भी आपको होमवर्क मिल रहा है तो उसको आपको रटना नहीं है, उसको खाली समझना है. ओके, जब आप लोग एक बार समझ जाएंगे कि ही शी इट के साथ क्या यूज होता है तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा. नेक्स्ट नंबर जे इज इट डैश अ फिश. ओके, इट भी आपका जो है क्या है बेटा? सिंगुलर वर्ड है तो इसलिए यहाँ पर एम का यूज नहीं होगा, इज. नाउ आवर वर्ड आवर सेंटेंस इज इट इज अ फिश. यह क्या है? मछली है. नेक्स्ट नंबर के इज आई. अब यहाँ पर आई आया है, आई जो है आपका प्रोनाउन है. ओके, सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसलिए आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है. ओके, सो वी विल फिल हियर एम. Now our sentence is I am a girl. मैं एक लड़की हूँ. Next number L is those boys. अब those boys, boys how many boys? More than one. Okay, बहुत सारे हो सकते हैं. More than one, 2, 3, 4, 5. Okay, अब ये plural है आपका. Boys plural क्या है? Noun है. Okay, तो अब यहाँ पर जब आपका noun प्लूरल में है, सिंगुलर में नहीं है, प्लूरल में है, तो यहाँ पर आर का यूज होगा. ओके, सो वी विल फिल हियर आर. नाउ आवर सेंटेंस इज दोज बॉयज आर फाइटिंग. वे लड़के क्या कर रहे हैं? फाइटिंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं. ओके, नेक्स्ट नंबर एम इज मिनी. मिनी, मिनी इज अ गर्ल, सिंगुलर नाउन. ओके, मिनी तो सिंगुलर नाउन के साथ आप इसका यूज करेंगे. मिनी इज प्लेइंग इन द गार्डन. मिनी कहाँ खेल रही है? गार्डन में खेल रही है. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर एन इज आई. फिर आई आ गया आपका सेंटेंस में. आई के साथ क्या यूज करना है? रिप्लाई मी. ओके, गुड. आई एम गोइंग टू द पार्क. मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं पार्क में जा रहा हूँ. ओके, इस तरह से आपका इज, ठीक है, एम आर इज एम फिल
करेक्ट वर्ड जो था हमने फिल किया. ओके बेटा, नाउ बेटा आई होप यू डेट यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे.